Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes. Chalo, welcome you again to another session of English. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्टूडेंट्स को थैंक्स करना चाहूँगी. कल मैं लास्ट में नॉट कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स थोड़ी सी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ना है. तो स्टूडेंट ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया. स्टूडेंट समझ गए इस बात को कि हिंदी तो हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं बट चीज़ों को इंग्लिश में सुनना है. ठीक है, और मेरा काम स्टूडेंट्स ने और भी आसान कर दिया. हमारे व्यूअर्स ने बोला कि मैम आप हिंदी में मत लिखो, हम हिंदी में लिख लेंगे, आप इंग्लिश में ही बताओ और हिंदी में ट्रांसलेट कर देना. तो चलो, मैं ऐसी बात नहीं है कि हिंदी में नहीं लिखूंगी, लिख दूंगी, बट बस मेरा बोलने के पीछे एक ही इंटेंशन था कि थोड़ा टीचर से इंग्लिश सुनना भी है. ओके, जितना ज़्यादा इंग्लिश सुनोगे उतना ज़्यादा सीखोगे. आपके कान तक इंग्लिश पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में तो लगता है आराम से हिंदी में टीचर एकदम इंग्लिश का पोस्टमार्टम करके हिंदी में आराम से समझा देते हैं, बट बच्चे फिर जाके आगे प्रॉब्लम फेस करते हैं. प्रॉब्लम कहाँ पे? क्लोज टेस्ट में, पैसेज में. तो बहुत अच्छा लगा कि आपने सब इन बातों को समझा. ठीक है, हिंदी में तो करने ही है क्योंकि वी पीपल आर इंडियंस, विदाउट हिंदी कहाँ से होगा. बट हिंदी इज़ फॉर कन्वीनियंस. ओके, चलो आ जाओ. आज हमारा नेक्स्ट सेशन है रूट वर्ड. काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से रूट वर्ड पे आए हैं. और रूट वर्ड्स के आप देखोगे, जिस स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करो, आपको तो अपडेट्स मिलते रहेगा. और जिसने पहले वाला रूट वर्ड्स नहीं देखा, आप देखो प्लेलिस्ट में जाना. ठीक है, आपको बहुत सारे रूट वर्ड्स मिलेंगे. मैंने रूट वर्ड्स का बहुत सारा वीडियोज़ बनाया है और स्टूडेंट्स का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था. रूट वर्ड वर्ड्स सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है. ठीक है, बहुत जल्दी भूलोगी नहीं. और एक और चीज़ है कि एक रूट से आप बहुत सारे रूट्स बना सकते हैं, सॉरी, एक रूट से बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो. ठीक है, तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं. आज का रूट वर्ड है डिक्ट. ठीक है, आज का मैंने वर्ड लिया है डिक्ट. डिक्ट का मतलब क्या है? डिक्ट एक लैटिन रूट वर्ड है. ठीक है, लैटिन रूट वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है बट लैटिन से लिया गया है. ये डिक्ट का मतलब होता है ना, कोई चीज़ को स्पीक करना, किसी चीज़ को कहना, किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ को प्रनंस करना, उच्चारण करना. ठीक है, स्पीक मतलब वही कहना, बताना, उसी सेंस में. तो डिक्ट से जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो कहीं ना कहीं क्या आपको दिखाएगा? स्पीक, टेल, प्रनंस. प्रनंस का मतलब है उच्चारण, इस सेंस में आएगा. अब मैं आपको वर्ड्स लिखना शुरू कर रही हूँ. सबसे पहले तो एक इजी सा वर्ड लिखा मैंने, डिक्शन. मैलाडिक्शन. ठीक है, आई राइट द वर्ड मैलाडिक्शन. फिर लिखा मैंने बेनीडिक्शन. ये सब मैल और बेनी में भी करवाया मैंने आपको. अगर याद होगा बेनी और मैल वाला वर्ड पॉजिटिव, बेनी वाला वर्ड, सॉरी, मैल वाला वर्ड हमारा नेगेटिव, बेनी वाला वर्ड पॉजिटिव. डिक्शन, बेनी डिक्शन. चौथा वर्ड है हमारा वाला डिक्शन. ठीक है, ये सारे वर्ड्स में कॉमन चीज क्या दिख रही है? डिक्ट है. यहां भी डिक्ट है, यहाँ भी डिक्ट है, और यहाँ भी डिक्ट है, यहाँ भी डिक्ट है. डिक्ट वर्ड देख के कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तो स्ट्राइक कर रहा होगा ना कि ये किससे रिलेटेड है. डिक्ट वर्ड स्पीक, टेल, कुछ बोलना कहने से ही रिलेटेड है. डिक्शन, डिक्शन किसे बोलते हैं आप? डिक्शन इज द वे, इज द मैनर इन ऑर, इज द मैनर टू प्रोनंस वर्ड्स. ओके, किस वर्ड का उच्चारण किस तरीके से कर रहे हैं उसका डिक्शन, उसे डिक्शन बोलते हैं. ऐसे बोलते हैं ना बहुत लोग की डिक्शन बहुत अच्छी होती है. डिक्शन मतलब उसे उसके उच्चारण करने की कला. तो डिक्शन का मतलब होता है द वे. ठीक है, और द मैनर, किस तरीके से आप शब्दों को बोल रहे हो. द वे और द मैनर इन विच यू स्पीक या और प्रनंस द वर्ड्स. किस वर्ड का आप ऐसा उच्चारण कर रहे हो? कभी कभी आप बोलते हैं ना इसकी एक्सेंट ब्रिटिश वाली है, किसी की एक्सेंट अमेरिकन वाली होती है. तो वो हम देखते हैं उसके डिक्शन से कि कौन से वर्ड का उच्चारण वो किस तरीके से कर रहा है. तो डिक्शन वर्ड है, कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? स्पीक से. तो डिक्शन का मतलब होता है किसी वर्ड को, ठीक है, किसी शब्द को बोलने का तरीका, किसी शब्द को उच्चारण करने का तरीका. ठीक है, प्रनंस. सो डिक्शन इज द वे. वे मतलब तरीका, और द मैनर इन विच यू स्पीक. स्पीक से रिलेटेड है, किसी भी वर्ड को आप कैसे बोलते हो, दैट इज डिक्शन. और मैलाडिक्शन,
मैलवर्ड देख के पता तो चल गया बैड, किसी के बारे में आप कुछ बैड स्पीक कर रहे हो, कोई भी बातें किसी ईवल इंटेंशन से बोली गई है, किसी खराब मकसद से बोला गया, ओके आपकी नीयत ठीक नहीं है। तो डिक्शन का मतलब ये डिक्शन वर्ड है, तो स्पीक ना कहीं ये स्पीक से तो रिलेटेड है ना, तो इसका आप लिख सकते हो वर्ड्स स्पोकन विथ ईवल इंटेंशन, ओके बुरे मकसद से किसी का बुरा चाहने के लिए उसके बारे में कुछ वर्ड्स बोल रहे हो, किसी के लिए आप बैड वर्ड्स बोल रहे हो, इसे आप बोल सकते हो कर्स, किसी को कर्स कर रहे हो, इसे आप हिंदी में लिख सकते हो अभिशाप, ठीक है किसी को अभिशाप दे रहे हो, ओके किसी को कोई शाप दे रहे हो, अभिशाप दे रहे हो, तो मैलेडिक्शन मतलब है किसी के बारे में बोले हुए बुरे शब्द, ऐसे शब्द आप उसके लिए बोल रहे हो जो बुरी नीयत से बोल रहे हो, ठीक है तो इसे अभिशाप के सेंस में भी बोल सकते हो। बेनेडिक्शन, बेनी वर्ड से तो पता चली गया बेनी के सेंस में, गुड के सेंस, ओके मैलेडिक्शन का मतलब है अभिशाप देना, कर्ज करना, और बेनेडिक्शन का मतलब है किसी को आशीर्वाद देना, वरदान देना। तो ये हो गया वर्ड्स स्पोकन भी बोल सकते हो या वर्ड्स अटर्ड, अटर्ड का मतलब भी बोलना, स्पोकन विथ गुड इंटेंशन, अच्छी नीयत से किसी के लिए कुछ अच्छे शब्द बोल रहे हो, जिसको आप वरदान भी बोल सकते हो, ठीक है वरदान भी बोल सकते हो। अब बेनेडिक्शन को आप ब्लेसिंग भी बोल सकते हो, ठीक है स्पीच ऑफ ब्लेसिंग, किसी को ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद देने के लिए कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छे शब्द बोलोगे, अच्छे इंटेंशन से बोलो। वैलेडिक्शन, वैलेडिक्शन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों को फेयरवेल दिया जाता है, और जो फेयरवेल स्पीच होता है, ओके जो विदाई समारोह में जो स्पीच दिया जाता है, विदाई समारोह में किसी की विदाई पर जो बातें बोली जाती है उसे क्या बोलते हैं, वैलेडिक्शन। वैलेडिक्शन का मतलब आप इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो गुड बाय स्पीच, गुड बाय स्पीच, स्पीच में क्या कर रहे हो आप, स्पीक कर रहे हो, बोल रहे हो, गुड बाय स्पीच और फेयरवेल स्पीच, फेयरवेल मतलब विदाई समारोह में जो स्पीच दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेडिक्शन। ठीक है अभी मैं और भी वर्ड्स दे रही हूँ, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। डिक्शन का मतलब होता है शब्दों को उच्चारण करने की कला, किसी शब्द को आप कैसे स्पीक कर रहे हो, कैसे प्रोनंस कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो। मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन तो गलत नीयत से बोले गए शब्द, किसी गलत नीयत से बोल रहे हो, ईविल इंटेंशन मतलब किसी को आप अभिशाप दे रहे हो, और बेनेडिक्शन तो अच्छे नीयत से किसी को वरदान दे रहे हो, आप किसी का अच्छा सोच रहे हो, और वैलेडिक्शन इज गुड बाय स्पीच, विदाई समारोह। ठीक है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी मैं आपको और भी वर्ड्स दे रही हूँ। चलो अभी तो हमने फोर वर्ड्स किया है, और भी कुछ वर्ड्स ले लेते हैं जो इंडिक्ट से रिलेटेड है, डिक्ट से। वी हैव द वर्ड कॉन्ट्राडिक्शन, फिर हमारे पास वर्ड है प्रिडिक्शन, इंटरडिक्शन, एंड लास्ट इज डिक्टम। ओके ये सारे वर्ड्स में भी कहीं ना कहीं क्या रिलेटेड है, डिक्ट है, डिक्ट है मतलब कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है, स्पीक टेल ये सबसे रिलेटेड। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन को हिंदी में विरोधाभास बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब जो सामने वाला बोल रहा है ठीक उसके ऑपोजिट बोलना, इसको आप लिख सकते हैं, इसको हिंदी में आप लिख सकते हो विरोधाभास, जैसे बोलते हैं ना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स का मतलब है दो स्टेट्समैन है, ठीक है दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, ओके एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब भी होता है ऑपोजिट। टू स्पीक और से ऑपोजिट ऑफ व्हाट समवन हैज सेड, इसको हिंदी में कॉन्ट्राडिक्ट, किसी को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो मतलब उसकी बातों को काट रहे हो, ठीक है वो कुछ और बोल रहे हो और आप उसका जस्ट जो वो बोल रहा है आप उसके ठीक ऑपोजिट बोल रहे हो, तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है टू स्पीक
और से ऑपोजिट ऑफ व्हाट समवन हैज सेड, जो किसी ने बोला है आप ठीक उसके विपरीत बोल रहे हैं, और उसके लिए नहीं परेशान होना. जैसे आप बोलते कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है, दोनों सेम है. कॉन्ट्राडिक्ट हमारा वर्ब है, ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्शन नाउन है. उसी तरह अगर मैंने प्रिडिक्शन लिख दिया और प्रिडिक्ट लिख दिया, प्रिडिक्ट का मतलब है भविष्यवाणी करना, ठीक है, ये तो हमारा वर्ब हो गया, और प्रिडिक्शन है शन शन टी आई ओ एन वाले वर्ड्स क्या होते हैं, सारे नाउन्स होते हैं. प्रिडिक्शन करना मतलब भविष्यवाणी बताना, ठीक है, भविष्यवाणी करना, टू टेल द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बताना, जिसको हम बोलते हैं फोरटेल, ठीक है, फोरटेल का मतलब है भविष्यवाणी बताना, भविष्यवाणी करना, टू टेल द फ्यूचर. इंडिक्ट डिक्ट वर्ड है, कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड, ये भी टेल से ही रिलेटेड. इंटरडिक्शन, ठीक है, इंटरडिक्शन जनरली आप देखोगे मिलिट्री वगैरह में यूज़ होता है, कोर्ट वगैरह में यूज़ करते हैं हम. इंटरडिक्शन क्या होता है, इंटरडिक्शन एक एन ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, ओके, एक ऑफिशियल, ओके, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जो कोर्ट या लॉ जारी करता है ये बताने के लिए उसे कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप इस चीज़ को, आपको अलाउड नहीं है ये चीज़ करना. तो इंटरडिक्शन इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, कहाँ से, फ्रॉम कोर्ट या लॉ, लॉ साइड या कोर्ट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, सॉरी, एक स्टेटमेंट भेजता है जहाँ पे वो बताता है कि एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम कोर्ट और लॉ टू टेल अ पर्सन डैट ही इज नॉट अलाउड टू डू अ पर्टिक्युलर थिंग, ठीक है. थोड़ा सा लेंथी स्टेटमेंट में आपका कॉन्सेप्ट ईजी हो जाए इसलिए मैंने अच्छे से स्टेटमेंट बना के लिख दिया है. इंटरडिक्शन क्या होता है, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कौन जारी करता है, जो कोर्ट या लॉ जारी करता है किसी पर्सन को ये टेल करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो इस चीज़ को करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है, वो इस चीज़ को करने के लिए अलाउड नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं कर सकता है, ठीक है, इंटरडिक्शन. अब आ जाओ डिक्टम. डिक्टम वर्ड में भी डिक्ट है. डिक्टम का मतलब होता है सेइंग. आपने सेइंग वर्ड सुना होगा जिसको आप इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो कथन, कथन बोल सकते हो या कहावत हो सकता है, ओके. डिक्टम का मतलब होता है सेइंग, कथन या कहावत. जैसे बहुत सारे डिक्टम्स होते हैं, मेडिकल डिक्टम्स होता है, हेल्थ डिक्टम्स होता है, नॉट मेडिकल डिक्टम्स, हेल्थ डिक्टम्स. जैसे आप हेल्थ में बोलते हो ना, अ डॉक्टर अ डे कीप्स अ, सॉरी, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ठीक है, एक एप्पल खाओगे तो हमेशा डॉक्टर से दूर रहोगे. तो ये जैसे हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो ना, ये एक कहावत है. ये एक सेइंग का मतलब क्या है, जो यूनिवर्सली प्रमाणित है और जिसे सब लोग मानते हैं. कहावत क्या होता है, जिसे सब लोग मानते हैं. तो ये एक कहावत है कि एप्पल खाओगे तो डॉक्टर से दूर रहोगे. तो डिक्टम का मतलब भी होता है कथन या कहावत. और डिक्ट वर्ड है तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है, से रिलेटेड. ओके, तो चलो आज तो हमने रूट वर्ड किया डिक्ट वाला. होपफुली आपको ये पसंद आया होगा और रूट वर्ड का सीरीज और भी जारी रहेगा आगे भी, ठीक है. एंड इफ यू पीपल रियली लाइक द वीडियोज तो डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके. और अपडेट्स के लिए आपके पास बेल आइकॉन है ही, प्रेस करो, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.